हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। अब जो है बहुत कम ही दिनों में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, फिर और मज़े से पढ़ेंगे। आज का क्लास देखिए, लास्ट हम लोग क्या पढ़े थे, हम आप लोगों को डिफ्रैक्शन पढ़ा रहे थे। और सबसे मज़े की बात है कि डिफ्रैक्शन हम आपको बताए थे कि इंटरफेरेंस ही है, पर अंतर ये है, इंटरफेरेंस दो सोर्स से लाइट के सुपरपोजिशन से को इंटरफेरेंस कहते हैं, और एक ही सोर्स के एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग भागों से जो लाइट का सुपरपोजिशन होता है उसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो कल वाला उसको कम्प्लीट कर देते हैं और उसका नोट्स हम आप लोगों को सबको भेज देते हैं, उसको लिख लीजिएगा। कंडीशन हम बता देते हैं, जरा सा देखिएगा। ये जो है इसको नोट मत करिएगा, सिर्फ समझ लीजिए। अभी ये आपको ये प्लेन वेव गया था, तो ये आपको हम डी ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल डी ले लेते हैं, दोनों का बीच का जो विड्थ है लीनियर विड्थ है डी ले लेते हैं। तो देखिए हम कल क्या बताए थे, दो भाग में बटेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और यदि तीन भाग में बटता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे ये पाथ डिफरेंस इसके इसके बीच, सपोज ए बी है ये सी है, तो ये लेमडा बाई टू, इसके बीच लेमडा बाई टू, पर इसके बीच क्या होगा लेमडा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये लेमडा होगा पाथ डिफरेंस। तो ये एंगल आपको क्या बोले थे, थीटा, ठीक है। तो देखिए उस ट्रायंगल में देखिए जरा सा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। हेलो, दो भाग में डिवाइड हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तीन भाग में डिवाइड होगा तो कंस्ट्रक्टिव, फिर चार भाग में डिवाइड होगा तो डिस्ट्रक्टिव, इवन पार्ट में डिवाइड होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ऑड पार्ट में डिवाइड होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका थीटा, ये डी, आपका ये पाथ डिफरेंस कितना था लैम्डा। अब यहाँ पे साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा बराबर क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस क्या हुआ डी हो गया। तो ये साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय क्या डी, कब, जब दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे डार्क डी वन बना, फिर यहाँ पे डार्क डी टू बनेगा, यहाँ पे फिर डार्क डी थ्री बनेगा, इसमें ये बीच वाला ब्राइट वाला है बी वन और बी टू, और ये डी थ्री बनेगा, डी वन डी टू डी थ्री। तो डी वन कहाँ पे बना, साइन थीटा बराबर लेमडा बाई डी कंडीशन हुआ। मान लीजिए फिर ये डार्क ले लीजिए, तो फिर ये चार भाग में डिवाइड होगा, चार भाग में डिवाइड होगा तो चार भाग में डिवाइड करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, टू लेमडा, तब क्या करिएगा टू लेमडा बाई डी, फिर छः डी। देखिए साइन थीटा बराबर लेमडा बाई डी, जब चार भाग में डिवाइड होगा तो टू लेमडा बाई डी, फिर छः भाग में डिवाइड होगा तो फोर लेमडा बाई डी, सॉरी थ्री लेमडा बाई डी हो जाएगा, यहाँ लेमडा बाई डी, टू लेमडा बाई डी, थ्री लेमडा बाई डी, फोर लेमडा बाई डी, छः भाग में डिवाइड करिएगा। देखिए चार भाग में डिवाइड किए तो टू लेमडा हुआ ना, लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू, छः भाग में डिवाइड करिएगा तो लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू, वन टू थ्री फोर फाइव प्लस लेमडा बाई टू, तो सिक्स इंटू लेमडा बाई टू होगा, ठीक है ना, सिक्स इंटू लेमडा बाई टू, तो ये कितना पाथ डिफरेंस हो जाएगा थ्री लेमडा, तो इसके जगह फिर थ्री लेमडा बाई टू करिएगा, फिर एट पार्ट में डिवाइड होगा तो साइन थीटा बराबर फोर लेमडा बाई डी लिखेगा। तो यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आपका कंडीशन हो जाएगा एन लेमडा बाई डी प्लस माइनस, क्योंकि प्लस ऊपर के लिए ये जो सेंट्रल ब्राइट बना था सेंट्रल मैक्सिमम, उसके ऊपर के लिए प्लस लेमडा एन लेमडा बाई डी, या नीचे के लिए माइनस एन लेमडा बाई डी। तो ये किसके लिए कंडीशन हुआ, साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लेमडा बाई डी किसके लिए हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हुआ। तो ये बना फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, इसको बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। सेकेंडरी मिनिमम यहाँ पे किसको बोलते हैं,
समझे क्या? सेकेंडरी मिनिमम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, मतलब डार्क को। डार्क को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मिनिमम। डार्क को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मिनिमम बोलते हैं। ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम, थर्ड सेकेंडरी मिनिमम। तो डार्क के लिए क्या कंडीशन हो गया? साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा बाई टी। अब देखिए ब्राइट के लिए, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? हम क्या बताएं, इवन ऑड मल्टीपल में डिवाइड होगा, थ्री पार्ट में डिवाइड होगा, फाइव पार्ट में डिवाइड होगा, सेवन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब थ्री पार्ट में डिवाइड होगा, देखिए जब वो थ्री पार्ट में डिवाइड होगा तो वन टू, ये तीन पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसके बीच और इसके बीच ये लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू, थ्री लेमडा बाई टू हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये पाथ डिफरेंस थ्री लेमडा बाई टू, ये डी है, ये थीटा है, तो साइन थीटा बराबर थ्री लेमडा बाई टू डी हो जाएगा। फिर फाइव पार्ट में डिवाइड होगा तो फाइव लेमडा बाय टू डी हो जाएगा, फिर सेवन लेमडा बाई टू डी हो जाएगा, फिर नाइन लेमडा बाई टू डी हो जाएगा। ठीक है, कल का ये पार्ट बच गया था समझाने के लिए। तो इसको जब जनरलाइज करिएगा तो टू एन प्लस वन लेमडा बाय टू डी हो जाएगा। अब n का वैल्यू वन पुट करिए तो टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री लेमडा बाई टू डी, टू पुट करिए टू टू जा फोर प्लस वन फाइव लेमडा बाई टू डी, थ्री पुट करिए थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन लेमडा बाई टू डी। ठीक है, इतना तक का हम आपको नोट्स सेंड कर देंगे। यानी डिस्ट्रक्टिव बनने का कंडीशन क्या हो गया? साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लेमडा बाय प्लस माइनस एन लेमडा बाय डी, किसके लिए? सेकेंडरी मिनिमम के लिए। और देखिए कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या बना? ब्राइट बनने के लिए थ्री लेमडा बाय टू डी, फाइव लेमडा बाय टू डी, चूँकि और मल्टीपुल में डिवाइड होता है तो थ्री फाइव सेवन नाइन, तो ये जो हो जाएगा टू एन प्लस वन इंटू लेमडा बाय टू डी। समझ गए, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए हो गया। तो पहला डार्क जो बनेगा डी वन वो कितना पे बना? एन के लिए वन पुट कर दीजिए तो लेमडा बाय डी, दूसरा डार्क टू लेमडा बाय डी, तीसरा डार्क थ्री लेमडा बाय डी पे बना। ठीक है ना, नीचे वाला डार्क माइनस लेमडा बाय डी माइनस टू लेमडा बाय डी, ऊपर नीचे दोनों ना बनेगा। तो ये हमारा कंडीशन हो गया डिस्ट्रक्टिव के लिए, ये हमारा कंडीशन हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए। समझ गए, एन का वैल्यू वन रख दीजिएगा तो पहला डार्क, टू रख दीजिएगा तो दूसरा डार्क, थ्री रख दीजिएगा तो तीसरा डार्क। एन का वैल्यू वन रखिएगा तो फर्स्ट ब्राइट, एन का वैल्यू टू रखिएगा तो सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, यहाँ पे ये सेंट्रल ब्राइट है। क्लियर हो गया ना? और यहाँ पे हम ये क्या बताए थे कि इंटेंसिटी जो होगा डार्क फ्रिंज का इंटेंसिटी, ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन उसमें जो बताए थे हम लोग किसमें बोलिए ना, इंटेंसिटी कर्व में जो लिए थे हम, उसमें सारे ब्राइट का इंटेंसिटी बराबर था और इसमें इंटेंसिटी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। समझ गए? चलिए अब जो है इसके बाद आप नोट करिएगा, इतना तक हम नोट्स भेज देंगे आपको। अब चलिए समझ लीजिए पूरा अच्छा से। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यहाँ से नोट करिएगा, दो पेज छोड़ दीजिएगा, दो पेज में नोट्स हो जाएगा। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखिए हम क्या बताए थे, वहाँ पे सभी का सेम होगा लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी घटता चला जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो होगा देखिए ये सेंट्रल ब्राइट हो गया, ये सेंट्रल ब्राइट है, इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ये फर्स्ट डार्क, फिर ये ब्राइट हो गया, फिर ये सेकेंड डार्क, फिर ये ब्राइट हो गया, फिर ये ब्राइट हो गया। ठीक है,
ये घटता चला जा रहा है, देखिए इंटेंसिटी घटता चला जा रहा है, ये फर्स्ट डार्क नीचे का साइड में, ठीक है। देखिए घटता जा रहा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो ये पॉइंट जो होगा प्लस लेमडा बाय टी, टू लेमडा बाय डी, यहाँ पे माइनस लेमडा बाय डी, यहाँ माइनस टू लेमडा बाय डी, माइनस थ्री लेमडा बाय डी, ठीक है। ये हो गया, ये थ्री लेमडा बाई डी हो जाएगा, ये फोर लेमडा बाई डी। ये जो फर्स्ट हुआ ना, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, प्रथम द्वितीयक न्यूनतम, ठीक है ना। यानी तो फर्स्ट डार्क बोल सकते हैं आप, सिंपली फर्स्ट डार्क बोल सकते हैं, वैसे नहीं समझना चाहते हैं तो फर्स्ट डार्क। ये सेकेंड डार्क, ये थर्ड डार्क, ये फोर्थ डार्क, ये फिफ्थ डार्क, इस तरह से चलता जाएगा। और ये बड़ा बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं होगा, बैंड बहुत कम होगा उसमें, इंटरफ्रेंस में बहुत सारा बैंड होगा, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बहुत अधिक होगा, इसमें नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कम होगा, समझ गए, क्योंकि जाके जीरो हो जाएगा इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी कर्व लिख लीजिए, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है ना, ये केंद्रीय उच्चिष्ट कहिएगा, समझ गए। और ये फर्स्ट ड्राइव, इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, इसको लिख लीजिए, नोट करिए इसको। अब जो है हम लीनियर विड्थ पर आएंगे, फिर एंगुलर विड्थ पर आएंगे इसका, और वैलिडिटी पढ़ाएंगे। समझ गए। अब जो देखिए, इसको नोट करते जाइएगा। अब लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, देखिए लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट का रेखीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट का रेखीय चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट का रेखीय चौड़ाई आप कैसे निकालिएगा, पहले समझा देते हैं तब डिफाइन करिएगा। ये जो है ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमम है, ये वाला, क्लियर है। अब यहां पे आप कैसे निकालिएगा, ये ठीक है, तो ये फर्स्ट मिनिमम हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड मिनिमम, ये फर्स्ट मिनिमम भी कह सकते हैं, मतलब फर्स्ट डार्क, सिंपली समझिए ना, फर्स्ट डार्क। तो ये आपका एक्स ले लीजिए, तो इसका लीनियर विड्थ, तो लीनियर विड्थ क्या कहिएगा, दोनों साइड जो फर्स्ट मिनिमम है, देखिए बहुत अच्छा से इसको डिफाइन करिए, तुरंत समझ जाइएगा क्या बोल रहे हैं हम। ये आपको फर्स्ट मिनिमम बना, ये नीचे वाला फर्स्ट मिनिमम, एक ऊपर वाला फर्स्ट मिनिमम, एक क्या नीचे वाला फर्स्ट मिनिमम, ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच जो सेपरेशन होगा, सपोज ये एक्स, ये इधर एक्स, ये दोनों सेपरेशन, टू एक्स को हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे बोलिए, ये लीनियर विड्थ जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप
खुद से बता सकते हैं, ये आपका स्मॉल डी है, ठीक है ना, ये आपका ऑब्स्टेकल है, स्लिट है, जिसका लीनियर विड्थ स्मॉल डी है, और ये पर्दे का दूरी कैपिटल डी है, ये आपका थीटा है। तो ये जो फर्स्ट मिनिमम बना ऊपर में, ये जो फर्स्ट मिनिमम बना नीचे में, फर्स्ट डार्क ऊपर का, फर्स्ट डार्क नीचे का, ये दोनों के बीच जो सेपरेशन होगा वही ना इसका सेंट्रल मैक्सिमम का चौड़ाई हो जाएगा। ये जो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ पे देखिए, ये जो अभी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताए, ये तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यही ना रेखीय चौड़ाई हो गया सेंट्रल मैक्सिमम का, ये रेखीय चौड़ाई हो गया क्या चीज़ का बोलिए, सेंट्रल मैक्सिमम का, माइनस लेमडा बाई डी, ये प्लस लेमडा बाई डी, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम या फर्स्ट डार्क ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज कॉल्ड क्या, लीनियर विड्थ, और लीनियर विड्थ 2x हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखिएगा हम लिखते हैं द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, या आप इसको लिख लीजिएगा फर्स्ट डार्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ, ऑन बोथ साइड्स ऑफ क्या लिखेगा, सेंट्रल मैक्सिमम इज कॉल्ड लीनियर विड्थ, ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर विड्थ। यहाँ पे हम लिखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम मिनिमम, प्रथम सेकेंडरी मिनिमम या प्रथम डार्क, प्रथम अधिक फ्रिंज, प्रथम सेकेंडरी मिनिमम या लिख लीजिएगा प्रथम अधिप्त फ्रिंज के बीच पृथकन को, के बीच पृथकन को केंद्रीय उच्चिष्ट की, उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई कहते हैं, रेखीय चौड़ाई कहते हैं, समझ गए, क्लियर है, रेखीय चौड़ाई कहते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन निकाल के बताते हैं, बहुत ही आसान है, अच्छा भी है, समझ में भी आएगा, क्लियर है। अब इसका देखिए एक्सप्रेशन फॉर लीनियर विड्थ, आप यहां पे फर्स्ट मिनिमम के लिए क्या लिखाए थे, फर्स्ट मिनिमम के लिए, फर्स्ट मिनिमम के लिए आपको कंडीशन बताते हैं, देखिएगा जरा सा, लीनियर विड्थ आपका क्या हो जाएगा 2x, ठीक, लीनियर विड्थ जो लिखिएगा ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्लियर है। अब ये 2x निकालेंगे कैसे, आप x कैसे निकालेंगे, तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, फर्स्ट डार्क सीधा लिखे ना, फर्स्ट डार्क, प्रथम डार्क के लिए या प्रथम अधिप्त फ्रिंज के लिए, प्रथम अधिप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है, फ्रिंज के लिए, प्रथम अधिप्त फ्रिंज के लिए क्या लिखेंगे आप बोलिए, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा बाई डी, प्लस लेमडा एन लेमडा, एन बराबर 1 लिख दीजिएगा, तो प्रथम हो जाएगा साइन थीटा बराबर लेमडा बाई डी, ये इक्वेशन 1।
अब वहाँ से साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एक्स बाय कैपिटल डी फॉर स्मॉल एंगल, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाय कैपिटल डी, ये इक्वेशन टू हो गया। तो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लेमडा डी बराबर लेमडा बाय स्मॉल डी बराबर एक्स बाय कैपिटल डी, ठीक है, इसको नोट करिए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वल कर दीजिए, वहाँ से एक्स निकल जाएगा फिर लीनियर विड्थ निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा से समझिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो है लेमडा बाय स्मॉल डी बराबर एक्स बाय कैपिटल डी, तो यहाँ से x निकल जाएगा, तो x बराबर क्या लिखिएगा, लेमडा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो लीनियर विड्थ 2x, लीनियर विड्थ क्या होगा 2x, तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये आपका हो गया लीनियर विड्थ हो गया, ठीक है, 2 लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, समझ गए। अब जो है अब यहाँ पे एक चीज़ और सिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिगर के साथ नोट करिएगा, फिगर आप पहले भी बोले थे बना लीजिएगा ये वाला फिगर, तब इसमें एक चीज़ और बताते हैं आपको, वो चीज़ अच्छा लगेगा, तब एंगुलर विड्थ पढ़ाएंगे, फिगर अभी हम मिटाना नहीं चाहते हैं, इसको देखिए, चूँकि एंगुलर विड्थ पढ़ाना है, एंगुलर विड्थ वही हो जाएगा यहाँ पे, इधर भी थीटा तो 2 थीटा हो जाएगा। तो पहले लेकिन इसमें एक चीज़ हमको और बताना है नोट में, ठीक है, तब जा करके करिएगा। देखिए नोट में हम क्या बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिगर हमको बनाना पड़ेगा फिर से, यहाँ पे सिखाते हैं, देखिए ये स्लिट था, ठीक है, ये स्लिट था, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस L1 लिए थे, यहाँ पे ये लाइट गया था कल का फिगर में, फिर यहाँ पे लेंस L2 लिए थे और इसको यहाँ पे स्क्रीन पे कन्वर्ज किए थे। यदि F जो है लेंस L2 का फोकल लेंथ F हो, सुनिएगा जरा से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, ये लेंस L2 जो है इसका फोकल लेंथ F हो और इस लेंस को स्लिट के बहुत नज़दीक रखा हो, इस स्लिट के बहुत नज़दीक रखा हो, तो ये जो कैपिटल D होगा, ये जो कैपिटल डी होगा स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, वो कैपिटल डी लेंस के फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, यानी डी बराबर एफ हो जाएगा, ये बहुत क्लोज होगा, इधर इधर स्लिट की ओर आ गया, बहुत क्लोज आ गया, तो इसका फोकल लेंथ और ये डी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐसा कहते हैं, इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2 या सेकेंड लेंस, इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2 यानी सेकेंड लेंस एंड इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द स्लिट एंड इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द स्लिट, वेरी क्लोज टू द क्या लिखेंगे, स्लिट, मतलब ऐसा लिखेंगे यदि लेंस L2 का फोकस दूरी यदि लेंस L2 की फोकस दूरी क्या हो, F हो, तथा इसे स्लिट के बहुत नज़दीक रखा जाए या बहुत नज़दीक रखा गया हो, बहुत नज़दीक रखा गया हो, तब क्या करिएगा, कैपिटल डी बराबर एफ हो जाएगा। अब तब जो लीनियर विथ लिखिएगा, यहाँ पे लीनियर विथ क्या लिखे थे, 2 लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो कैपिटल डी के बदले क्या लिखेंगे, एफ,
तो ये 2 लैम्डा एफ बाय डी, ये कब होगा? जब वो लेंस एल टू को हम लोग लीनियर विथ, जब वो लेंस एल टू को हम लोग स्लिट के काफ़ी नज़दीक रख देंगे, तब रेखीय चौड़ाई 2 लैम्डा एफ बाय स्मॉल डी हो जाएगा। समझिए, ये नोट कर लीजिए। तब एंगुलर सेपरेशन यहाँ पे बताते हैं, एंगुलर सेपरेशन हो जाएगा तब डिफरेंस बताएंगे, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन। एंगुलर सेपरेशन आप फिगर में देख ही रहे हैं, जो दोनों साइड में फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम है उसके बीच जो एंगल का सेपरेशन है, कितना एंगल का सेपरेशन है? 2 थीटा। उसी 2 थीटा को हम लोग क्या कह देंगे यहाँ पे? एंगुलर सेपरेशन कह देंगे। ठीक है, तो उसको नोट कर लिए। अब यहाँ पे हेडिंग बनेगा एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर विड्थ लिखिएगा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, एंगुलर विड्थ ऑफ क्या लिखेंगे? सेंट्रल मैक्सिमम, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, इसको कैसे आप बनाएंगे? क्लियर है? ये जो दोनों फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, ये फर्स्ट डार्क है, ये फर्स्ट डार्क है, ये भी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम है। फर्स्ट मिनिमा लिख दीजिएगा ना, इससे भी हो जाएगा। फर्स्ट मिनिमा है, इधर भी फर्स्ट मिनिमा है, तो दोनों फर्स्ट मिनिमा जो दोनों साइड में है उसके बीच जो एंगल का सेपरेशन होगा 2 थीटा, उसको क्या कह देंगे? एंगुलर विड्थ कह देंगे। तो क्या लिखेगा? द एंगुलर सेपरेशन, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन बोथ साइड, फर्स्ट मिनिमा ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ। समझ गए? इज कॉल्ड क्या लिखेगा? एंगुलर विड्थ। अब जो एंगुलर विड्थ निकालिएगा, ये एंगुलर विड्थ क्या निकलेगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंगुलर विड्थ इसको हिंदी में लिख देते हैं, रुकिए। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, दोनों ओर प्रथम निम्निष्ट के बीच, प्रथम निम्निष्ट के बीच कोणीय पृथकन को कोणीय चौड़ाई कहते हैं। कोणीय पृथकन को केंद्रीय उच्चिष्ट का कोणीय चौड़ाई कहते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट का कोणीय चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, चौड़ाई कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पे एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। अब वो 2 थीटा को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि साइन थीटा अभी हम लोग निकाले हैं, प्रथम फर्स्ट मिनिमम के लिए साइन थीटा बराबर क्या लिखें? लेमडा बाय स्मॉल डी। ठीक है, अब लेमडा बाय स्मॉल डी लिखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए यहाँ पे, अब इसको हम कैसे निकालेंगे एंगुलर विड्थ का सेपरेशन कैसे निकालेंगे? 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा, तो एंगुलर सेपरेशन यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखेंगे, हेलो हेलो बच्चों देखिए प्लीज़, इधर उधर ध्यान नहीं रखिए, इधर देखिए। हम क्या कह रहे थे,
फॉर फर्स्ट मिनिमम हम क्या बोले थे, फॉर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए आप क्या कहेंगे यहाँ पर, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय डी लिखेंगे, ठीक है ना। तो फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख देंगे, तो थीटा बराबर लैम्डा बाय डी। अब एंगुलर विड्थ जो लिखेंगे, एंगुलर विड्थ बराबर कोणीय चौड़ाई क्या हो जाएगा बोलिए, कोणीय चौड़ाई जो होगा ये टू थीटा होगा, तो ये टू इंटू लैम्डा बाय डी, टू लैम्डा बाय डी हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए एंगुलर विड्थ जो हो गया आपका कितना हो गया, टू लैम्डा बाय डी। ये कोणीय चौड़ाई, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब जो है हम, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, वो बहुत मजा का चीज़ है, नोट कर लिए। अब यहाँ पे देखिएगा एक टॉपिक यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जो कि पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं, आज पॉइंट्स लिखवा देते हैं, बार बार पूछता है बोर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए क्या हम यहाँ पे बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, यहाँ पे आप इसको कैसे करेंगे, प्लीज देखिए, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन सुनिएगा समझिएगा। देखिए पहला हम डिफरेंस लिखते हैं, पहला डिफरेंस तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटरफेरेंस जब भी होता है दो सोर्स डिफ्रैक्शन, ये हो गया आपको विवर्तन और ये जो हो गया व्यतिकरण, ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, अच्छा लगेगा ये चीज, हम आपको पहले भी बताए थे, एक पॉइंट तो आप जानते हैं ऑलरेडी, क्या, दो सोर्स से लाइट का सुपरपोजिशन जो होता है उसको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं, और एक ही वेव फ्रंट के, मतलब एक सोर्स से निकला हुआ वेव फ्रंट, एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग भाग से लाइट का जो सुपरपोजिशन होता है वो आपका डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्या लिखेगा, द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन, द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ, सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है, समझे। अब यहां पे क्या लिखेगा, द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन, हेलो ध्यान दीजिएगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम डिफरेंट पोर्शन ऑफ सेम वेव फ्रंट, ठीक है, डिफरेंट पोर्शन ऑफ सेम वेव फ्रंट, क्लियर हुआ। मतलब दो कला संबद्ध स्रोत द्वारा उत्सर्जित
उत्सर्जित, ठीक है ना, जित प्रकाश के बीच अध्यारोपण की घटना को, अध्यारोपण की घटना को व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या लिखेगा, समान तरंगाग्र मतलब एक सोर्स, ठीक है, समान तरंगाग्र के अलग अलग भागों से अलग अलग भागों से उत्सर्जित ठीक है ना, उत्सर्जित प्रकाश के बीच अध्यारोपण की घटना को व्यतिकरण विवर्तन कहते हैं, ठीक है बच्चों, विवर्तन कहते हैं, समझ गए। दूसरा क्या लिखिएगा, इसमें एक बात आपको क्या बताए थे, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेज आर सेम, इसमें इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। द इंटरफेरेंस पैटर्न द इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेज आर सेम, समझ गए। यहाँ पे क्या लिखेगा, दूसरा नंबर में इन डिफ्रैक्शन पैटर्न द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटता जाएगा, उसमें सबका सेम होगा। क्यों घटता जाएगा, क्योंकि वेवफ्रंट डिवाइड होता चला जाता है पोर्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हिंदी में लिख देते हैं, विवर्तन की घटना में सभी डिप फ्रिंज की तीव्रता समान होती है, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देंगे, व्यतिकरण की घटना में, देखिए व्यतिकरण की घटना में प्रत्येक दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती है, ठीक है ना, तीव्रता समान होती है। इसमें क्या लिखेगा, विवर्तन की घटना में दीप्त फ्रिंज की तीव्रता घटती जाती है, दीप्त फ्रिंज की तीव्रता घटती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में, इसमें जो डार्क फ्रिंज बनेगा, डार्क ऑलमोस्ट परफेक्टली ब्लैक होगा, और उसमें जो डार्क बनेगा ना, परफेक्ट ब्लैक नहीं बनता है, ठीक है। तीसरा नंबर का इसमें देखिएगा फर्क, तीसरा नंबर में क्या देखिएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑल ब्राइट फ्रिंजेज आर ऑलमोस्ट ऑल डार्क फ्रिंजेज
डार्क फ्रिंजेज आर ऑलमोस्ट परफेक्टली ब्लैक, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक। व्यतिकरण, व्यतिकरण की घटना में प्रत्येक प्रत्येक अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः ब्लैक होता है। पूर्णतः क्या होता है? ब्लैक होता है, समझ गए। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा में, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न द डार्क फ्रिंजेज, डार्क फ्रिंजेज आर परफेक्टली नॉट ब्लैक, आर परफेक्टली या आर नॉट परफेक्टली ब्लैक, आर नॉट परफेक्टली ब्लैक, समझ गए। ये परफेक्टली ब्लैक नहीं होगा, यानी विवर्तन की घटना में तन की घटना में अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः ब्लैक नहीं होता है, पूर्णतः ब्लैक नहीं होता है, समझ गए। विवर्तन की घटना में अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः ब्लैक नहीं होता है, ये थर्ड हो गया। अब एक डिफरेंस और लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? इंटरफेरेंस में लार्ज नंबर ऑफ बैंड होता है, उसमें फ्यू बैंड्स होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फोर्थ नंबर में, लिखिए इंटरफेरेंस पैटर्न हैज लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स एंड डिफ्रेक्शन पैटर्न्स हैज फ्यू नंबर ऑफ बैंड्स, ठीक है, क्लियर हो गया। क्या बोले? इंटरफेरेंस पैटर्न हैज लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स, लिखिएगा फोर्थ में। इंटरफेरेंस पैटर्न हैज लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स, ठीक है। व्यतिकरण में बैंड की संख्या अधिक होती है, बैंड की संख्या अधिक होती है, ठीक है। उसमें क्या लिखिएगा फोर्थ नंबर में? इन डिफ्रेक्शन पैटर्न हैज फ्यू नंबर्स ऑफ बैंड्स, डिफ्रेक्शन पैटर्न हैज फ्यू नंबर ऑफ बैंड्स, ठीक है ना, बैंड्स, ठीक है। विवर्तन में बैंड की संख्या कम होती है, विवर्तन में बैंड की संख्या कम होती है, समझ गए। क्या समझे बोले? यहाँ पे व्यतिकरण में लार्ज नंबर ऑफ बैंड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वेव फ्रंट डिवाइडेड नहीं होता है, अलग अलग सोर्स होता है, यहाँ पे सिंगल सोर्स होता है और एक ही सिंगल एक सोर्स है, तो एक ही वेव फ्रंट निकलेगा और एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग भागों से लाइट जा करके क्या होता है, सुपर इम्पोज करता है, तो वो इंटेंसिटी घटता जाता है, घटता जाता है। एक समय में ऐसा आता है कि जहाँ पे ब्राइट का इंटेंसिटी जीरो हो जाता है तो ज़्यादा बैंड नहीं बन पाता है इसमें, और इसमें क्या होता है अधिक ज़्यादा से ज़्यादा बैंड बन पाता है,
समझ गए, इस डिफरेंस को लिख लीजिए, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में जो है ये डिफरेंस है, ये बार बार पूछता है। क्लियर हो गया? तो आज का क्लास बच्चों हम यहीं तक रहने देते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जब हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं तब अब रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे और पोलराइजेशन है, मेनली दो टॉपिक और है इस चैप्टर में, एक रिजॉल्विंग पावर एक पोलराइजेशन है। कल पूरा कंप्लीट हम लोग रिजॉल्विंग पावर पढ़ लेंगे, ठीक है ना, फिर इसके बाद हम लोग पोलराइजेशन पढ़ेंगे, फिर डॉपलर इफेक्ट है, डॉपलर इफेक्ट, ये तीन टॉपिक पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हैं, ठीक है।